जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोहन नाथाव तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल रहने वाला है जो जयपुर शहर में सिरसी रोड के आसपास JD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। बात करूं आज की इस प्रॉपर्टी की तो 20 का इसका फ्रंट रहेगा, 50 की इसकी डेप्थ रहेगी, 111 गज में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी का वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। वेस्ट फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, 40 फीट रोड फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। जस्ट पास में इसके JD अप्रूव्ड गार्डन रहेगा, काफ़ी प्राइम लोकेशन पर आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। दोस्तों, एक बार मैं आपको फ्रंट का एलिवेशन दिखाना चाहूँगा और उसके साथ आसपास की लोकेशन भी दिखाना चाहूँगा, फिर पूरी प्रॉपर्टी का टूर करेंगे। तो आइए चलते हैं विला का जो फ्रंट के एलिवेशन से वीडियो का जो कंप्लीट वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। ये आपके विला का फ्रंट का एलिवेशन रहेगा, बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न एलिवेशन वर्क आपको आज की इस प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। ये वीडियो नाइट में शूट किया है ताकि एक प्रॉपर्टी का जो नाइट व्यू है वो आपको पता लग जाए कि किस तरह का नाइट व्यू आपको यहाँ का मिलने वाला है। बात करूँ फ्रंट एलिवेशन में तो स्टील और टफन ग्लासेस की रेलिंग ही आपको मिलने वाली, साथ में आपको बहुत ही सुंदर टेक्सचर पेंट वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। आगे बात करूँ तो ये आपके विला का मेन डोर रहेगा, यहाँ पे आपको मेन डोर दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वुडन का डोर यहाँ आपको मिलने वाला है, डबल डोर यहाँ आपको दिया गया है। एक फोर व्हीलर आप अपने विला में इजीली पार्क कर सकते हैं। एंड इस तरफ अगर बात करूँ तो इस तरफ आ जाता है आपका टू व्हीलर का पार्किंग स्पेस, साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है बाहर की बाहर जो आपका सिलेंडर रखने के लिए यहाँ पे बॉक्स दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत लाइट्स यहाँ आपको दी गई है। एक बार मैं आपको विला की जो मेन वॉल है वो भी दिखाना चाहूँगा। ये आपके विला की मेन वॉल रहेगी जिसमें आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टोलर पेंट वाला वर्क मिलने वाला है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। 40 फीट रोड फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, JD अप्रूव्ड आपकी प्रॉपर्टी है, सेपरेट पट्टे वाली प्रॉपर्टी रहेगी, सभी बैंकों से लोनेबल है। बात करूं पार्किंग स्पेस में तो पार्किंग स्पेस में जो टाइल्स लगा के दी गई है, एंटीस्किप टाइल्स यहाँ लगा के दी गई है, 5000 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी का वाटर टैंकर रहेगा। साथ में आपको बात करें तो PVC जो आपकी वुडन की आपकी फोर सीलिंग है उसका वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स। अब बात करते हैं मेन डोर की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हाइट वाला यहाँ आपको डोर दिया गया है, 8 फीट की हाइट का यहाँ आपको डबल डोर मिलने वाला है। एक तो आपका वुडन का मैच डोर रहेगा, साथ में आपको मिल जाता है मेन डोर और प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहा है आपके विला में, तो यहाँ पे मिल जाती है आपको फुल हाइट की ग्लास विंडो और सेफ्टी का ध्यान रखा गया है तो लोहे के ग्रिल का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आपको दिया गया है कूलर विंडो का प्रोविज़न, तो आप यहाँ कूलर लगा सकते हैं आपके ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया के लिए। दोस्तों, आगे बात करूं तो ये रहेगा आपका वुडन का मेन डोर, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वुडन का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में आप जो देख सकते हैं जो सनमाइका हमने यूज़ की है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की और बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर है। दोस्तों, जैसे आप अपने विला में एंटर करते हैं तो ये आ जाता है आपका ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ आपको मिलने वाला है। अगर बात करूँ इस तरफ तो यहाँ आप अपना 6 सीटर का या 10 सीटर का सोफा आसानी से लगा सकते हैं। मेन वॉल पे बात करें तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर यहाँ आपको लगा के दिया गया है, साथ में खूबसूरत शेल्डर लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई, डिजाइनर लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है, AC फिटिंग यहाँ आपको मिलने वाली है, सेमी फर्निश कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करेंगे। और ये आ जाता है आपका डाइनिंग स्पेस जहाँ पे आप अपनी 6 सीटर की डाइनिंग टेबल आसानी से लगा सकते हैं और ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया में बहुत ही खूबसूरत शेल्डर लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फोर सीलिंग का वर्क भी काफ़ी प्रीमियम वर्क मिलने वाला है, बहुत ही सुंदर डिजाइनर फोर सीलिंग ही आपको मिलने वाली है। और साथ में जो आप देख सकते हैं यहाँ दो फैन दिए हैं आपको ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में, काफ़ी प्यारे डिज़ाइन वाले फैंस ही आपको दिए गए। और इस तरफ आ जाता है आपका TV कैबिनेट पैनल, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर TV कैबिनेट पैनल दिया गया है, साथ में आपको नीचे स्पेस दिया गया है, आप अपना सेटअप बॉक्स रख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ है। और इस तरफ आ जाता है आपका काउंटर बेसिन डिज़ाइन, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर काउंटर बेसिन ये आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आपको एक जो मिरर है वो लगा के देंगे, सुंदर लाइट्स ही आपको लगा दी गई है, साथ में सामान रखने के लिए नीचे आपको स्पेस दिया गया है। तो अब हम टूर करेंगे किचन, क्योंकि जब भी क्लाइंट विजिट करने आता है और साथ में अपनी धर्मपत्नी को लाता है तो उनको सबसे पहले चाहिए होती है किचन, स्पेशियस किचन और फुली वेंटिलेशन वाली किचन। तो भाई साहब, ये आपकी रहने वाली है फुली वेंटिलेशन वाली किचन। बात करूँ वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर मैडम पूछती है भैया किचन वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है नहीं बनी हुई, तो मैडम जरूर बनी हुई है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में स्थित आपकी किचन रहेगी, वास्तु का जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपकी किचन रहेगी। वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज दी गई है तो वेंटिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और ये वाली जो वॉल है इसको आप यूज़ कर सकते हैं आपकी चिमनी को प्लेस करने के लिए। और जो आपका
वो रहेगा किचन का स्लैब, आप देख सकते हैं वाइट स्लैब रहेगा, टाइल कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा रहने वाला है। और एक बार मैं आपको ड्रॉवर्स दिखाना चाहूँगा, पूरी फुल्ली मॉड्यूलर किचन रहेगी। एंड इस तरफ आ जाता है, यहाँ अपना रख सकते हैं माइक्रोवेव, अलग से स्पेस दिया गया है, साथ में पावर पॉइंट भी दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आप अपना कुछ भी और भी अदर आइटम्स रख सकते हैं। जो आपके अपर कैबिनेट्स और लोअर कैबिनेट्स रहेंगे वो सारे ही सॉफ्ट क्लोजर्स रहेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर्स है। अंदर भी माइका का वर्क मिलने वाला है, जो पेंट वर्क है वो आपको इस प्रॉपर्टी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो फिटिंग रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी सेरा कंपनी की। एंड ऊपर जो आपको स्पेस दिया गया है आरओ और गीज़र के लिए, तो आपका कवर्ड आरओ और गीज़र रहेगा। साथ में आप देख सकते हैं जो किचन की मेन वॉल है, मेन वॉल पे वुडन का बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर वर्क आपको मिलने वाला है, डेकोरेटिव आइटम्स भी आप यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर चलने से पहले मैं एक बार आपको रेट्स बताना चाहूँगा, मात्र 90 लाख रुपये में आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। ईस्ट वेस्ट फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, 20 का इसका फ्रंट रहेगा, 55 की इसकी डेप्थ रहेगी। ऊपर जाने से पहले जो आपका फर्स्ट रूम है वो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपका फर्स्ट रूम रहेगा। आप देख सकते हैं मेरे मूवमेंट से आप आपको इजीली लग जाएगा कि जो रूम स्पेस आपको मिलने वाला है वो कितना अच्छा मिलने वाला है, मतलब यानी 6x6 का नहीं 7x7 का बेड लगाइए, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। इस वाली वॉल पर आप लगा सकते हैं। पीछे अगर बात करें काफ़ी डिज़ाइनर प्रीमियम क्वालिटी का 3D डिज़ाइन वाला आपको वॉलपेपर लगा के दिया गया है। फोर सीलिंग का वर्क भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर डिज़ाइनर फोर सीलिंग ये आपको मिलने वाली है। साथ में मिलने वाली है इस तरफ फुल वेंटिलेशन के लिए ग्लास विंडोज़, और काम तो इतना मजबूत किया हुआ है, आप इस ग्रिल से आइडिया लगा सकते हैं क्या मजबूती रही होगी। और ये आ जाता है आपका कूलर विंडो के लिए प्रोविज़न। अक्सर जो बिल्डर्स हैं वो यहाँ कंजूसी करते हैं, कूलर विंडोज़ देते नहीं है, तो पर हमारे यहाँ वाले ये जो बिल्डर है इन्होंने यहाँ पे कूलर विंडो का भी प्रोविज़न दिया है, तो आप बिजली सेविंग भी कर सकते हैं, साथ में जो बीमारियाँ होती हैं ना एसी में रहने से उससे भी बच सकते हैं। तो हर चीज़ को ध्यान में रखकर आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई है। और आगे अगर बात करें तो ये आ जाएगी आपकी फुल हाइट की विंडो, 7 फीट की हाइट की आपकी विंडोज़ है, जिसमें आपको नीचे यहाँ पे ड्रॉवर्स दी गई है सामान रखने के लिए, आप अपने पैसे रख सकते हैं। अभी थोड़ा फिनिशिंग का काम चल रहा है तो लॉक सिस्टम है वो भी जल्दी आपको लगा के देकर कंप्लीट करके दे दिए जाएंगे। एसी फिटिंग आपको मिलने वाली है, सेमी फर्निश कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करेंगे। ये आ जाता है आपका बाथरूम एरिया, जिसमें इतना स्पेस है कि अगर आप ग्लास पार्टीशन करना चाहते हैं अपने शॉवर एरियाज में तो इजीली कर सकते हैं। फिटिंग सारी सेरा की रहेगी, वॉल माउंट WC आपको मिलने वाली सेरा कंपनी की, साथ में आपको दिया गया बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर ये बेसिन। और ये आपका जो बाथरूम रहेगा कॉमन प्लस अटैच रहेगा, मतलब फर्स्ट रूम से भी अटैच रहेगा, साथ में ड्राइंग और डाइनिंग एरिया से भी अटैच रहेगा। तो चलो दोस्तों अब करते हैं फर्स्ट फ्लोर का टूर। फर्स्ट फ्लोर का टूर करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टेयर्स। तो स्टेयर्स में आपको ग्रेनाइट पत्थर और टाइल्स का दोनों वर्क मिलने वाला है, साथ में आपको मिलने वाली SS की मजबूत रेलिंग, मतलब यानी अगर आप पाइप देखें तो टोटल 5 पाइप्स आपको यहाँ लगा के मिल दिए गए हैं, काफ़ी मजबूत और प्रीमियम क्वालिटी की आपको यहाँ आपको रेलिंग दी गई है। तो अब हम हाफ पहुँचे हैं फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड हॉल में, ये आपका हॉल स्पेस रहेगा, मतलब एक प्रॉपर्टी और दो हॉल, ऐसा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। स्पेस काफ़ी अच्छा रहेगा। पीछे अगर मैं बात करूं तो यहाँ अपना 10 सीटर का सोफ़ा आसानी से लगा सकते हैं। और अगर बात करें हम राजस्थानी, हमारे तो दीवान का चलन बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक छोटा सा दीवान भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग जिनको खुला खुला वातावरण चाहिए तो वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। साथ में उनके लिए हमने सोच समझ के एक मंदिर डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर भजन कीर्तन करें और पीछे आराम करें। स्पेस देख सकते हैं, अगर आप श्याम बाबा के भजन या फिर भोलेनाथ के भजन करवाना चाहते हैं तो आप स्पेस देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस है, मतलब यानी 30-40 लोग आप अपने इस वाले हॉल में इजीली बैठा सकते हैं। अब टूर करेंगे सेकंड रूम का, तो ये रहेगा आपका सेकंड रूम। स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रहेगा, सेकेंड रूम ये आपका रहेगा। इस अगर बात करूँ साइज़ की तो 11x14 का आपका सेकेंड रूम है, 2x4 की प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स आपको फ्लोर में लगा के दी गई है। साथ में आपको डबल वार्डरोब मिलने वाली है 7 फीट की हाइट की, लॉक किया हुआ है, अभी थोड़ा सामान पड़ा हुआ होगा। एंड इस तरफ अगर बात करें तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर का वर्क ही आपको मिलने वाला है। एंड फोर सीलिंग का वर्क भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर फोर सीलिंग डिज़ाइन से आपको मिलने वाले हैं। साथ में आपको जो फोर सीलिंग के अंदर है लाइट्स है वो भी लगा के दी गई है। और ये आ जाता है आपका वेंटिलेशन के लिए शॉफ्ट एरिया,
नीचे भी आपको दिया गया है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ओपन रहेगा। तो वेंटिलेशन आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर और टेरेस पे तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा ही। तो प्रॉपर साइड बैक छोड़ के आपकी ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। और ये आ जाता है सेकेंड रूम से अटैच बाथरूम। साइज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मतलब हाइट अगर बात करूँ तो भाई साहब मेरे से ऊँची हाइट पर भी टाइल्स लगा के दिए बिल्डर्स ने, मतलब यानी कॉस्ट कटिंग तो कहीं नहीं करी। और टाइल्स कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, फ्लोर में एंटी स्क्रिप्ट टाइल्स लगा के दी गई है, सैरा की फिटिंग है। और भाई साहब अभी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करी, उससे पहले टंकी चालू कर दी बिल्डर ने। और ये आ जाता है आपका शावर पैनल, फिटिंग सारी ब्रांडेड रहेगी, सैरा की फिटिंग मिलेगी। अब टूर करेंगे आपका और मेरा फेवरेट फ्रंट साइड का बेडरूम। यह है भैया फ्रंट साइड का बेडरूम, साइज आप देख सकते हो, मतलब 6x6 का बेड लगाने के बाद अगर 2 सीटर का सोफा भी लगाना है ना, सामने टीवी कैबिनेट बैठ के टीवी कैबिनेट या टीवी देखते हुए अगर आप सोफे पे बैठ के टीवी देखना चाहते हैं तो अच्छा स्पेस है। इस वाली वॉल पे आप किसी भी साइज़ का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, 52 इंच का टीवी प्लेस करो, फुल स्पेस है। फोर सीलिंग बहुत ही प्यारी है, सुंदर डिज़ाइन है, फोर सीलिंग मिलने वाली है। और बड़ी बड़ी लाइट दी है, छोटी छोटी कंजूसी वाली लाइट नहीं दी है, प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर यूज़ किया है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मतलब हर रूम में अलग अलग वॉलपेपर मिलने वाला है। और मेन चीज़ वेंटिलेशन, अब आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 चार विंडोज़ एक रूम में, वेंटिलेशन कैसा मिलेगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाइट में वीडियो शूट कराए इमरजेंसी में, बट अगर दिन में आप प्रॉपर्टी की विजिट करने आएंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ एक सिंगल लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरी प्रॉपर्टी का आपको टूर करा दूंगा। एक मिनट, बालकोनी का टूर करने से पहले अपन टूर करेंगे थर्ड रूम से अटैच बाथरूम का। तो ये आ जाएगा आपका थर्ड रूम से अटैच बाथरूम। अब स्पेस देख सकते हैं, मतलब ग्लास पार्टीशन के लिए भी फुल ऑप्शन है। और वही 8 फीट की हाइट तक आपको टाइल्स मिली है, डोर डिज़ाइन वाली टाइल्स है, डार्क टाइल्स लाइट कॉम्बिनेशन, डार्क और लाइट टाइल्स वाला कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ये आपका बेसिन आ जाएगा और आपको यहाँ WC मिल जाएगी और स्लाइडर वार्डरोब दी गई है आपको। अंदर तक सनमाइका का वर्क आपको मिलने वाला है, साथ में आप ऊपर भी अपनी कुछ भी आइटम रखना चाहते हैं। और इधर आ जाता है मैडम के लिए सामान रखने के लिए और बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर आपकी ड्रेसिंग टेबल। अब आ जाते हैं हम फ्रंट बालकोनी में। तो फ्रंट बालकोनी में यहाँ आपको दिया है एक वुडन का मैश डोर, तो आप ये आराम से बंद करें और मेन गेट खोल के रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा और मच्छर मक्खी जो हैं वो आपके घर में इजीली नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे आपको टोलर पेंट का वर्क आपको मिलने वाला है। ऊपर यहाँ शाफ्ट एरिया दिया गया है आपके बाथरूम के लिए। और ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं जो फोरसेलिंग का वर्क है, वुडन कलर का पेंट किया हुआ है, साथ में वुडन कलर का फोरसेलिंग वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। और फ्लोर में यहाँ आपको अगर टाइल्स का वर्क जैसा कि आप देख रहे हैं, वुडन कलर की एंटी स्क्रिप्ट टाइल्स दी गई है। यहाँ आपको वाटर टैप दिया गया है, तो ये आप ये एरिया वॉशिंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट दिया है और साइड में अप एंड डाउन लाइट्स लगा के दी गई है। जो आपकी AC की आउटर मशीन्स है उसके पॉइंट्स हमने बाहर छोड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप छत पे लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन रहेगा। स्टील और टफन ग्लासेस की रेलिंग यहाँ आपको दी गई है। मैं आपको फ्रंट वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाना भूल गया था, अगर आप मैं यहाँ इधर अगर देखेंगे तो सामने आपका मंदिर रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में अगर दिखाऊँ तो यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक गार्डन रहने वाला है। तो गार्डन और मंदिर दोनों पास में मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी और बेनिफिट कितने सारे, मतलब कहते हैं ना पिज्ज़ा के साथ में जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिल, अलग अलग खूब सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाए तो उसका जो टेस्ट है वो अलग ही होता है, वैसे इस प्रॉपर्टी का भी टेस्ट है। और इस शेल्डर लाइट्स के तो कहना ही क्या, बहुत ही सुंदर शेल्डर लाइट्स दी गई है, मतलब बिल्डर साहब ने सारे हीरे मोती यहीं जड़ दिए। और ये आ जाती है आपकी टेरेस। तो अगर बात करूँ फ्लोर में तो थोड़ा आपको फील आ रहा होगा चैश वाला, वैसे वाले फील यहाँ आपको मिल सकता है टेरेस पे। एंटी स्किप टाइल्स लगा के दी गई है, हीटिंग सीलन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस प्रॉपर्टी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पीछे आपका शाफ्ट एरिया रहेगा, तो वेंटिलेशन से रिलेटेड प्रॉपर साइड बैक छोड़ के बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है। और ये फ्रंट साइड की आपकी बालकनी आ जाएगी, यहाँ पे भी आपको मजबूत रेलिंग दी है स्टील की, साथ में यहाँ पे आपको जो फ्रंट की जो फर्स्ट बालकोनी थी डबल हाइट रूफ यहाँ आपको दिया गया है डिज़ाइनर। दोस्तों अगर आप इस प्रॉपर्टी की विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं।
अगर प्रॉपर्टी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर विजिट करना चाहते हो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।